जगपाल सिंह असिस्टेंट कम्युनिकेशन अफसर DCPWMHA। मेरा जन्म 1 अप्रैल 1961 में हुआ और 13 मई 1985 को मैं जॉब में आया। उसके बाद आज तक यानी 31 मार्च 2021 में मैं सुपरनिवेशन जा रहा हूँ। खुशी का दिन है। बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साय से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। मैं अपने जीवन काल के बारे में कुछ आप लोगों से बात शेयर करना चाहूंगा। मैं एक निहायत ही गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पास रहने के लिए भी कोई अच्छी जगह नहीं थी, पढ़ने लिखने के लिए कुछ ऐसे बंदोबस्त नहीं थे। हमारा एक छोटा सा मिट्टी का घर होता था, उसी के अंदर पूरा परिवार, जिसमें 4 भाई और 1 बहन, माता पिता सब एक ही कच्चे मकान में रहते थे। मेरे माता पिता जी की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मेरे को अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा सके, फिर भी उन्होंने मेहनत मजदूरी करके मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हमारे घर में माता जी मजदूरी के लिए चली जाती थी, मैं स्कूल से आता था, घर में आकर के अपना जो पुराने जमाने में ओखल मूसल होते थे उसमें चावल कूटता था और तब हम शाम को अपना खाना खाते थे। मैंने अपने गांव रायसन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से अपना मिडिल पास किया, कौल गांव के अंदर जनता स्कूल से मैंने अपना मैट्रिक पास किया, वो भी कई बार 3-3, 4-4 दिन स्कूल ना जाके मेहनत मजदूरी करके फीस इकट्ठी करता था, तब जाके वहाँ का खर्चा पूरा करता था। जैसे तैसे करके मैंने अपनी मैट्रिक पास की। उसके बाद मैंने नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। आखिर में मैंने फोर्स की तरफ रुख किया और मैंने एयरफोर्स और BSF आर्मी सभी के लिए अप्लाई किया। मैं उस टाइम पे मेहनत मजदूरी करता था। अप्लाई करने के बाद जब एक दिन मैं खेत में काम करके आया, गेहूँ काट के आया, घर में आया तो मेरे को BSF की तरफ से कॉल लेटर आया मिला। मैं बड़ा खुश हुआ। उस टाइम पे थोड़ा बहुत मैंने जो फसल काट के पैसा कमाया था, जो वो गेहूँ बेच के पैसा लेके अपना किराया करके मैं 25 बटालियन
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स छावला कैंप में दिल्ली में पहुंचा। वहां जाके 13 मई 1985 में सिपाही के पद पर मैंने अपना पद ग्रहण किया। और 20 मार्च 1989 को मैं नायक ऑपरेटर के लिए प्रमोट हुआ। कश्मीर आई ड्यूटी में रहा हूँ मैं 1991 से लेकर के 1994 तक। वहाँ पे कई बार बम्बूस में भी फंसे हैं, 2-3 बार का मेरे पास निशान भी है। एक बार ब्रस्ट लगा था तो सिर में यहाँ पे लगा, साइड से लग के निकल गया। कुदरती उस दिन हेलमेट पहना था, हेलमेट की पुटिंग मेरे सिर में लगी। कमांडेंट साहब अगली सीट पे बैठे हुए थे, जब गाड़ी से उतरे तो कमांडेंट साहब ने मेरे को बोला, ये आपको क्या हुआ? जब हाथ लगा के देखा तो खून बह रहा था। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे कई प्रकार के हादसे वहाँ पे बीते हैं। फिर मैं वहाँ से पंजाब से दिल्ली आ गया। दिल्ली में 3 साल ड्यूटी किया। 23 दिसंबर 2014 को मैं DCPW में आया और 2014 से आज 31 मार्च 2021 तक जो ये 6 साल का समय था मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ जितना भी स्टाफ मिला बहुत ही अच्छा मिला, सब ने मेरे को ट्रीट किया। खास करके अकाउंट ब्रांच से श्री एच के सिंह जी ने बहुत मेरे को हेल्प किया। कम्युनिकेशन सेंटर में तो सभी साथियों ने मेरा पूरा साथ दिया। जीवन में बड़े उतार चढ़ावों से गुजरते हुए आज मैं सुपरनिवेशन जा रहा हूँ, ये मेरी बड़ी खुशी, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आप लोगों के सहयोग से मेरा बहुत अच्छा समय व्यतीत हुआ है। मैं चाहूँगा कि जो दिन आज मेरे को मिला सुपरनिवेशन का, सभी को ये दिन खुशी का दिन सभी को मिले और सब अपनी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जाएँ, अपने परिवार में शामिल हों। धन्यवाद। पत्ती पत्ती डाली डाली सीजे बागवान।